You're listening Radio FM World. जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं प्लीज अपने अपने वॉलेट्स वगैरह का ख्याल रखिएगा. सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि भगदड़ में या अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो भगदड़ नहीं मचानी है. ये थिएटर्स लगे हुए हैं बड़े आराम से, सुकून से और तहमुल मिजाजी से आपने उसका मुजाहरा करना है. एंड सेकेंड बात ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है. इनफैक्ट हम लोग कुछ भी नहीं है आज, जो हम हैं वो उनकी वजह से है. अब्दुल वहीद शेख साहब FM 101 से कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान रहे हैं. इनफैक्ट अब्दुल वहीद शेख साहब को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा स्टेज पे कि वो स्टेज पे आए और आके कुछ अपने कुछ हमारे बारे में चले व्यूज दे दे, इस इवेंट के बारे में व्यूज दे दे. शेख साहब से रिक्वेस्ट है, एक दफा शेख साहब के लिए तालियां हो जाए. मेरी जानिब से आपको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी 2020. वी विश यू स्पेशली आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर. और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए. और मैं खासतौर पर फिलहाल साथ में हरिका है, साथ में आनम है और भी बहुत सारे निशान हैं, मैं सबके नाम लेना मुश्किल है. और ख़ासतौर पर हारिस बगल की तरह हैं और दोस्त सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव डन एक्सीलेंट. इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चिल्ड यानी इवनिंग है, सर्दी बहुत है और आप लोग यहाँ भी आए. विश यू गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. अभी आप क्या बताना चाह रही है, कुछ मेरे ख्याल है इसके बाद लाइन अप किए हुए आपने? बिल्कुल लाइन अप किया, लेकिन उससे पहले पहले तो मैं आपकी नजर एक लाइन कर दूँ ना. जी जी. एक गाना मुझे अभी बड़ा तेजी से आ रहा है, बड़ा जल्दी आ रहा है. नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ. नहीं, मैं कहती हूँ तो आपको इस्लाम पेपर करवा के दे देता हूँ. हम सवाल पे यकीन रखने वाले लोग हैं. अच्छा बिलाल, मुझे अब ये बताएं कि मैं बात कर रही थी आपकी वॉक की. जी, मेरी वॉक की बात हो रही थी. तो मिस्टर डीजे, कोई प्यारा सा म्यूजिक है आपके पास जिसमें मैं वॉक कर सकूं? बिल्कुल जी, बिलाल की तरह कोई हंसने वाला प्यारा सा. आपकी वॉक पे क्या
मॉडल मैं बन तो जावा पर मेरा अपना कुछ नहीं बढ़ रहा। मैंने यार मैं रोटी खावा कुछ भी खावा मैंने कुछ नहीं लगा। यकीन हो गया थोड़ा कुछ नहीं बन रहा। कुछ नहीं बन रहा यही तो मसला है कि मैं इतना खाता हूँ कि मैं जहाँ पे भी बैठ जाता हूँ लोग ये पूछना शुरू कर देते हैं भाई आप ही खा रहे हैं ना किसी पास से ब्लूटूथ कर रहे हैं। एक मिनट, आप इतना खाते बहुत बहुत खाता हूँ कोशिश करता हूँ मैं। नहीं आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा खाते हैं दिमाग तो खाए चलो और कुछ नहीं खा रहे दिमाग तो खा ही रहो। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा बिलाल मैं चाहती हूँ कि आप कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फनी कुछ जोक्स सुनते हैं आपस में। आपको मैं यहाँ की एक साइकी बताता हूँ। तीन बहरे बैठे होते हैं सुनाई तीनों को नहीं देता होता ठीक है। एक उठ जाता है उनमें से खड़ा होके कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ ठीक है। दूसरा जो बैठा होता है ना बहरा वो उसको कहता है किधर जा रहा है वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तीसरा कहता है अच्छा अच्छा मैं समझा घर जा रहा है। तो यही वाली सिचुएशन है समझ किसी को कुछ नहीं आता और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं और इन प्रॉब्लम्स में ये एंटरटेनमेंट जो हम लेकर आए हैं 2020 फैमिली फेस्टिवल इसको हमने जैसा एहतमाम किया आप लोगों के लिए। इनफैक्ट आप अभी आप ही देख रही हैं और इतने प्यारे प्यारे डिजाइनर्स आ रहे हैं सिंगर्स हैं हमारे पास और अभी तो बिलाल पार्टी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी आप क्या अनाउंस करने जा रहे हैं? अभी मेरे पास ब्राइडल वॉक है जैसे कि पहले भी आपने देखे इतने खूबसूरत ड्रेसेस कोई मेरे लिए भी आप ड्रेस आप चूज कर रहे ना कोई जो कहते हैं कि इन्होंने कभी गिफ्ट नहीं किया होगा और अगर जो कह रहे हैं कि इन्होंने गिफ्ट किया होगा किसी ना किसी लड़के को बहुत ज्यादा तालियां बजा के बजाएंगे। मेरी ये तो लेती है जी गिफ्ट लेती नहीं है। बिल्कुल यू आर राइट मुझे गिफ्ट आ दिया मैं लेती नहीं नहीं कभी दे ही लिया करो पहले तो हंस भी लिया करो। मुझे हंसी मैं बहुत ज्यादा हमेशा हंसती रहती हूँ और अगर मुझे कोई टेंशन हो तो भी मैं फील नहीं करवाती। टेंशन फील करवाने से बिलाल मुझे नहीं लगता कि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। ऐसे है कि अगर आप टेंशन फील करवाएंगे तो हो सकता है उसका कुछ फायदा उठा के आपको मजीद टेंशन में डाल। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं मैं टेंशन नहीं ले रहा मैं तो अगली वॉक का सोच रहा हूँ कि जी अगली वॉक कैसी होगी। वॉक के साथ आपको टेंशन लगी हुई कि आपके लिए कोई ड्रेस देखनी है? हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अगली वॉक के मेरे लिए कैसा ड्रेस होगा आपकी दुल्हन के लिए या आपके लिए? काम तो दो ही लग रहे हैं मैं दो वास्ते पसंद करेंगे ना अपने वास्ते भी अपनी दुल्हन वास्ते भी। आपकी मम्मा यहाँ बैठी हुई ना? मैंने कोशिश की है कि मैं बैक स्टेज घुस के मॉडल्स में देखूं कि कौन सा ड्रेस जो सबसे ज्यादा प्यारा है अगली दफा वही गिफ्ट करो। अगली दफा अगले साल मतलब अगले साल को गिफ्ट करें या अपनी दुल्हन को गिफ्ट करें? अगले साल को गिफ्ट कर रहा हूँ दुल्हन तो आप जाहिर बात है साल के अंदर है ना। तो हम क्यों ना आपको दुआ दें और आज आप मॉडल्स के ड्रेसेस को ध्यान से देखें क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ड्रेस छुपे हुए हैं आपकी दुल्हन के लिए। तो बिलाल मैं चाहूंगी कि हम अपने जो मॉडल्स इनको बुला लें अगर वो रेडी हो गए तो हमें काइंडली बता दें। अगर फीमेल रेडी हो गई है तो हमें बता दें ताकि हम उनको अनाउंस कर दें। अच्छा जैसे कि हमने पहले भी अनाउंस किया था कि ऑडियंस में कोई सिंगर है जो जिसको लगता है कि वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है तो वो हमें स्टेज पे ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को लगता हो कि वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है वो सिंगर है उसको सिंगर बनने का शौक है कोई बच्ची है बच्चा है कोई लड़की है लड़का है जो भी है वो हमें यहाँ स्टेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। यू कम जल्दी से आए आप
क्या नाम है आपका? माही दीदी। माही, इतना खूबसूरत नाम किसने रखा? जबरदस्त जी, इतना प्यारा नाम रखो और माशाल्लाह है भी इतनी क्यूट। अच्छा मुझे ये बताया, आपको गाना गाने का शौक है? यस। सिंगर बनना चाहती? मे बी। अगर आपने अभी अच्छा गाना गा लिया तो ये आपको पता है बिलाल भी सिंगर है? नो। अभी आपने सुना नहीं? नहीं सुना। तो अभी आपका गाना सुनेंगे, अगर आप अच्छे सिंगर बन सकते हो तो ये आपको अपने साथ रखेंगे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता क्योंकि वादे वो होते हैं, वो वफा नहीं होते। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे हुदाया, क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां है गम मुस्कुराया। क्यों बस बिलाल कैसा गाया है? अच्छा गाया है। अगर पहली बात अभी तो बच्ची है, छोटी है, तो प्रैक्टिस करेगी तो वो कुछ गाना है। चलो यही गाना मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ छोटी। ओके। प्यार की मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। क्या बात है, क्लबिंग होनी चाहिए अभी भी। तो वो क्लबिंग होनी चाहिए छोटी के लिए। बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है कि वो यहाँ पे आई है। इस स्टेज पे आके बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। और जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, आपका नेम क्या है? अच्छा मेरे भाई क्या गाते हो? पछताओ के गाएंगे जी? ओके, एक दफा बात पे ताली हो जाए। एक बात, ये आजकल हर कोई पछता क्यों रहा है यार? असल में ट्रेंड चल पड़ा है ना, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बच्चा जैसे ही 4-5 साल क्रॉस करता है वो पछताना शुरू कर देता है। ओह माय गॉड, सबसे पहले तो वो टीचरों के डर से पछताता है, ठीक है जी? टीचरों के डर, रोजाना स्कूल के बाद टेस्ट के डर, एग्जाम के डर, रिजल्ट के डर। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बस ये जो पछताना है वो शुरू हो जाता है। बेटा इधर आओ, इधर आओ। कभी क्लास में पछताया? नहीं। किसी टेस्ट के दौरान? पेपर में। ओए, पेपर में पछताया, काश मैंने पढ़ लिया होता, राइट? कोई नहीं बेटा, अभी काम स्टार्ट हुआ, अभी भी पछताना बाकी है, चलो स्टार्ट कर। वो मुझे छोड़ गए जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, वो मुझे छोड़ गए जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोलना देवी, सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोलना देवी, बुरे किसे होर ली तू खोलना देई, ओ शायर जानी लाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़ गए जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे। ओ मुझे छोड़ गए जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे कि मैं, यार यार किन्नो पुकारेंगे कि मैं, करोगे जे करोगे जे दगा करोगे, सड़ी वाली मौत तुसी बीते मरोगे, करोगे जे दगा करोगे, सड़ी वाली मौत तुसी बीते मरोगे। ओ अल्लाह वे
जो तुम जाओगे तो एक दफा फिर आप तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को मैं अभी शौदी की जानिब से और बिलाल की जानिब से वेलकम करते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया और इतनी खूबसूरत शाम जो आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है उसको आप लोग एंजॉय करें। क्यों मिला और इसको ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज्यादा साथ है जी अलसुफा हाइट्स का। अलसुफा हाइट्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी प्यारी महफिल आप लोगों के लिए सजाई। ये पीछे फूड स्टॉल से आगे इतने अच्छा हीट मतलब हीटर्स का सिस्टम इतना अच्छा मतलब माहौल और म्यूजिक शाम जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। म्यूजिक का तड़का फैशन गपशप सब कुछ चल रहा है लेकिन बिलाल मेरी और आपकी बातें खत्म नहीं होने वाली। मेरा ख्याल है बगैर किसी डिले के और बगैर भी बात की हम अगली हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली इससे पहले कि हम कोई और टॉपिक स्टार्ट कर लें। आप ये भरपूर कार्यों में वेलकम करते हैं ब्राइडल कलेक्शन बाय चौधरी मोहम्मद उमर। आपकी भरपूर कार्य होनी चाहिए इनके लिए। ब्यूटीफुल इवेंट जो कि एक फैमिली फेस्टिवल आप सब लोगों को यहाँ पर आज बुलाया गया और इस इवेंट को स्पॉन्सर किया सोफा हाइट्स ने।
और इस वक्त मैं स्टेज पर बुलाऊंगी अल सुबह हाइट की पूरी टीम को कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि आज उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी भी है, तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे ताकि वो स्टेज पर आए और अपने बारे में कुछ बताएं। अल सुबह हाइट की रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं प्लीज कम ऑन स्टेज और भरपूर तालियों में इस्तकबाल करेंगे, तो वो जोरदार तालियां हो जाए। नहीं होनी चाहिए, सर्दी जरूर है, लेकिन आप सबका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इस कदर शदीद सर्दी में माशाल्लाह इस वक्त यहाँ पे इतनी जबरदस्त गैदरिंग है कि हमने तवक्को भी नहीं की थी, और आप शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इसी तरीके से बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ जी, आप सुबह हाइट से हमारे साथ मौजूद है नौमान अली मिर्जा, शाहिद महमूद, कासिम अली, आजाज अब्बासी, शकील अख्तर, आफताब खान, तंजील रहमान, हसन राजा, इन सब लोगों को हम स्टेज पर इनवाइट करते हैं आप सबकी भरपूर तालियों में। अल सुबह हाइट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी हैं या कमिंग ऑन स्टेज, प्लीज जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। म्यूजिक बढ़ा दीजिए और ये पूरी टीम है जिन्होंने बहुत मिलजुल कर और बहुत ही दिन रात काम किया और आज जो है इतनी बड़ी कामयाबी इनको मिली है और ये आज उसकी लॉन्चिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो इनका तारुफ जो है वो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, फिर इनके बाद जो है सवाल जवाब जो है मैं बैठूंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल गेस्ट हियर। यूनिवर्सल ग्रुप कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अपना सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, हम इधर ना अल सुबह हाइट्स के नाम से तो आगे पेज के बिल्कुल पास कैमरा लगा मेरे साथ मेरी सारी टीम मौजूद है, जो डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन के, वो अब आपको बारी बारी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई गुलमर्ग, ये गुलमर्ग ही क्यों? गुलमर्ग वैसे तो पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफी डिफरेंट सोसाइटीज हैं। अच्छा, वैसे तो मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो वाई गुलमर्ग? गुलमर्ग सबसे जो मुझे पसंद आई इसकी चीज़, इसकी एक्सेस है कि गुलमर्ग बाकी जितने भी सोसाइटीज़ हैं उससे कैसे मुनफरद है, वो उसकी एक्सेस है। आपने जब आप आए होंगे तो यहाँ से देखा होगा कि यहाँ से हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं आपको ब्लू एरिया में जाते हुए विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके अलावा आप जा सकते हैं। इसी तरह सदर 15 मिनट्स में आप जा सकते हैं, या आप रवाज जाना चाहते हैं तो वो भी 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। और सेकेंडली जहाँ पर ये जो अभी आप सबने देख रहे हैं इस जगह में डी मर्केज इसको कहा जाता है, गुलमर्ग रेजिडेंशिया के अंदर ही आप, ठीक है। तो गुलमर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है अल सुबह हाइट्स, आपकी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिगिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टार्ट किया है। ये हमारा ऑफिस है अल सुबह हाइट्स का, ठीक है। एजाज साहब मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो आपको डिस्कशन करते मार्केटिंग के लिहाज से शायद वो अभी आ रहे होंगे, लेकिन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट शायद भाई हमारे साथ हैं, वो कुछ आपको बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी शाहिद महमूद और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 माह पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था रॉयल स्क्वायर के नाम से इसी डी मरकज में, और माशाल्लाह इस वक्त उसके चौथी स्लैब डल चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिस्पांस हमें भी मिला है। और इसके बाद हमने दूसरा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो अल सुबह हाइट्स के नाम से है,
और आज अल सुफा हाइट्स की ओपनिंग है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, मैं कुछ टेक्निकली चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ कि रॉयल स्क्वायर जिसने डिजाइन किया है वो है जमशेद खान साहब, जो कि जानी पहचानी हस्ती हैं और बहुत अच्छे उन्होंने फ्रंट एलिवेशन बनाए हैं। गुलमर्ग मॉल उन्होंने डिजाइन किया है, सेंटोरियस उन्होंने डिजाइन किया है और माशाल्लाह रॉयल स्क्वायर को भी उन्होंने डिजाइन किया है। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है हमारे रॉयल स्क्वायर के वो है अलीम साहब। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं अल सुफा की तरफ। ये UPDL है, बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने ये सारा गुलबर्ग डिजाइन किया है और उन्होंने अल सुफा हाइट्स को डिजाइन किया है। मिस मरियम और शराफत साहब है जिन्होंने इसको सारा डिजाइन किया और इसके स्ट्रक्चर इंजीनियर है आलफ साहब, जो के बहुत बड़े माशाल्लाह तजर्बाकार है और उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट 80% जो गुलबर्ग के प्रोजेक्ट्स है आलफ साहब ही उनको देख रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। इस तरीके से माशाल्लाह अभी हमने अल सुफा हाइट्स की डिगिंग करा दी है और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू है और अभी इसके प्री लॉन्चिंग रेट जो है वो चल रहे हैं और इंशाल्लाह आज इसकी ओपनिंग है। और माशाल्लाह जी ये आपको मुबारक हो नया साल और अल्लाह करे कि ये नया साल सबके लिए खुशियां लेके आए। एक बार अस्सलाम अस्सलाम जोरदार तालियां एक दफा बजा दीजिए। अल सुफा हाइट्स की पूरी टीम जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, एक दफा जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली कुरैशी है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि आप लोगों ने हम लोग को इतना टाइम दिया, हमारे लिए आप लोग इधर आए और इसमें मैं सबसे ज्यादा अपने जो मेरी टीम है यूनिवर्सल ग्रुप है, ठीक है, मैं इसका सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे मौका दिया अपने साथ काम करने का। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे नुमान भाई हैं, शहद भाई हैं और आफ्ताब भाई हैं, रमजान भाई हैं, एजाज है और हसन भाई हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें सबसे पहले जो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे खड़ा हूँ इसमें मेरे वॉलंटियर की सबसे ज्यादा मेरे साथ दुआएं हैं, अल्लाह ताला का एहसान है और इन दोस्तों का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा भाई गुलबर्ग, आज मेरे ख्याल से गुलबर्ग का नाम माशाल्लाह इतना अच्छा है कि इतनी आवाम ने सपोर्ट किया है और मीडिया की टीम को, मार्केटिंग टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स कहते हैं जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट अरेंज करवाया। अल सुफा हाइट्स पे स्पेशली आप लोगों को हम लोगों ने ये स्पॉन्सरशिप की थी इसीलिए कि लोग आए और हम उन्हें अपना काम दिखा सकें, हमारी बैकग्राउंड क्या है और गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्यों लोग ज्यादा अवेल कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। नंबर वन ये अप्रूव सोसाइटी है, CDS है, NOCS की हर चीज का। दूसरा ये कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर आ रही है सारी सोसाइटी जिसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड या स्कैम इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा अल सुफा हाइट्स जो है ये प्रोजेक्ट 3 लॉट्स पे मुश्तमिल है 50x50 के, जिसका फ्रंट 150 फीट और डेप्थ 50 फीट बन रही है। तो मैं सब लोगों को ये गारंटेड बात कह सकता हूँ कि जो चीपेस्ट रेट है डी मार्केट्स का गुलबर्ग के कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से वो आपको सुफा हाइट से मिलेगा। प्लस हम यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करते हैं और वी आर वर्किंग एज अ टीम, सो बहुत कतरे कतरे से दरिया बनते हैं और ये जो हम आपके सामने खड़े हैं ये एक माशाल्लाह वेल मैनेज एजुकेटेड और यंग भी है माशाल्लाह हम लोग, जो कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और ऐसा ऐसा करके एक टीम बन गई और माशाल्लाह आज इतने इन्वेस्टमेंट है कि हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे पहले एक दो छोटे प्रोजेक्ट्स हम 10-10 मरले के डिलीवर कर चुके हैं, उसमें 50x50 का रॉयल स्क्वायर आ रहा है और एक और प्रोजेक्ट है उसमें हमने इनिशिएटिव लिया था। फिर जब न्यू बिल्डिंग हुई इस अप्रैल में तो हमने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह इकट्ठा एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि डेढ़ कनाल का है, जरूर इन्वेस्ट करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो एक कमेटी की तरह है, ठीक है, आप डाउन पेमेंट दे के इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ी थोड़ी किस्तें देते रहते हैं, आपके पैसे भी जमा करते रहते होते रहते हैं और साल में आपकी
जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट की वो भी ऊपर जाती रहती है। आज फॉर एग्जांपल 32,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट है किसी एक शॉप का ग्राउंड फ्लोर पे या लोअर ग्राउंड पे, और कल साल दो साल बाद आप वो देखते हैं तो वो 35-38-40 पे चली जाती है। तो बहरहाल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो अच्छी जो हेलो मैं स्पेशली उन लोगों को जरूर ये मैसेज देना चाहूंगा कि फ्यूचर में जैसे हम लोग कमेटी डालते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज, तो वो जरूर अपनी इस तरह की कोई प्लानिंग करें जिसमें वो इन्वेस्ट करें कमर्शियल किसी शॉप में, फ्लैट में, ऑफिस में, जो कि कल को रेंट आउट भी अच्छा रिटर्न भी देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। तो वेलकम है सबको, और कोई स्कैम या इस चीज से कोई मुतासर होने की जरूरत नहीं है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का की सोसाइटी है, इसमें कोई भी भागने वाला या कोई ऐसा बंदा नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स इतने कमर्शियल हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द, इंशाल्लाह इसको बात कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, शकील अख्तर, डायरेक्टर ऑफ अलसफा हाइट्स। तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इवेंट पर, इस ओपनिंग पर, इस फंक्शन का हिस्सा बने। जिस तरह भाई ने बताया कि अलसफा हाइट्स अपनी कंस्ट्रक्शन की राह पर गामजन है और इसको जमशेद खान जैसे डिजाइनर ने डिजाइन किया है, जो कि डिजाइनर हैं। तो यहाँ पर गुलबर्ग ने वो तमाम तर सहूलियात, वो तमाम तर माहौल दिया जो फॉरेन में है। तो स्पेशली फॉरेन से जैसे इंग्लैंड या कनाडा, इन मुल्कों से बहुत ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया, क्योंकि लोग अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं। जब गुलबर्ग जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ पर जो कमर्शल बन रहे हैं वो फॉरेन तर्ज के बन रहे हैं। तो आप सबको भी दावत देते हैं कि आप आएँ हमारा ऑफिस, जिस तरह भाई ने बताया प्रोजेक्ट साथ लाए, तो आप आएँ हमारे साथ शेयर करें और अपना इसमें जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करें, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और हम सब आपकी दुआओं के मुंतजर हैं। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फिनिश करेंगे रुमान भाई। हमारा ये प्रोजेक्ट तमीज बिल्डर्स इसको बिल्ड कर रहे हैं, जो एक मायनाज बिल्डर हैं और गुलबर्ग में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सब गेस्ट का, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे अलसफा हाइट्स की ओपनिंग का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।